हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, एक प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और देखिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है लोगों को ईडा रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम RPS 08/2024 के बारे में। और मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था एक, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, इसका टाइटल था कि आ गई फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि 1% जो अभी लिस्ट आई है, जो अथॉरिटी ने अपलोड की है, वो उन लोगों के नाम प्लॉट हो गया। वो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन अथॉरिटी ने, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने 1% की जो लिस्ट भेजी है, वो उन लोगों की लिस्ट है जो रैंडमली सिलेक्ट किए गए हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स में 1% लोगों का सिलेक्शन किया गया है अथॉरिटी में आके ड्रॉ देखने के लिए। जो अथॉरिटी ने वेन्यू रखा है इंडिया एक्सपो मार्ट, उसमें जाके ड्रॉ देखने के लिए, क्योंकि सब लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए अथॉरिटी ने जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसमें से 1% लोग रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। बहुत सारे लोग अभी से खुशियाँ मनाने लगे कि जी हमारा हो गया, हमारा लिस्ट में नाम आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिस्ट हो सकता है उनमें से जितने लोगों का लिस्ट में आया उसमें से 10 लोगों का प्लॉट भी ना निकले, तो कुछ नहीं है। जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जिनका मैंने एक आपको डेमो करके पिछले वीडियो में दिखाया था, अगर आपने नहीं चेक किया तो फिर से जाके चेक कर लीजिए। फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट जो अथॉरिटी ने डाली है अपनी वेबसाइट पे, सबसे ऊपर आपको वो दिखाई पड़ेगी। मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैंने दिखा दिया था कि कैसे आपको चेक करना है आपके एप्लीकेशन नंबर के थ्रू या फॉर्म नंबर के थ्रू। आप उसमें डाल के चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो पर्टिकुलर ड्रॉ के लिए या नहीं। अगर आप एलिजिबल हो तो आपके लिए पूरे चांसेस हैं, जैसे उन लोगों के लिए चांसेस हैं जो लिस्ट रैंडमली सिलेक्ट की गई है 1% कैंडिडेट्स की, जो लिस्ट अथॉरिटी ने डाली है। तो बिल्कुल भी, देखिए मार्केट में र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, तो र्यूमर्स को क्लैरिफाई करना मेरा काम है। और मैंने, मेरा टॉपिक देख के बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि सर आपने कहा कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ गई, तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो अथॉरिटी ने डाली है, वो आपको प्रॉपर चेक करके ही पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि जी हमारा नाम नहीं आया, हमारा डेटा नहीं फाउंड हो रहा, नॉट एलिजिबल हो गए हम। तो मैंने उनसे फ़ोन करके कहा कि देखिए ऐसा है ना कि आपने फॉर्म में फिल करने में या तो गलती की है, या तो आपने पेमेंट ऑप्शन 2 या पेमेंट ऑप्शन 3 का चुनाव कर दिया है। क्योंकि ये स्कीम ऐसी थी कि इसमें सिर्फ 361 प्लॉट का ही ड्रॉ होना था, तो भाई अब जिन्होंने पेमेंट ऑप्शन 1 चूज़ किया, फर्स्ट प्रायोरिटी तो उन्हें दी जाएगी ना, तो एलिजिबल कैंडिडेट में वही आएंगे, सीधी सी बात है। और जब उतने लोगों में ही कोई प्लॉट नहीं बचेगा तब आपको प्लॉट मिलता ना। तो देखिए, हमेशा ऐसी कोई भी स्कीम आए तो इसमें ज़रूर अप्लाई करिए, लेकिन सावधानी पूर्वक, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके। आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमारी टीम होती है फॉर्म फिल करने के लिए, प्रॉपर एक्सपर्ट टीम होती है। थोड़े बहुत नॉमिनल से एक चार्जेस होते हैं, वो आप पे कर देना, लेकिन फॉर्म आपका, ये बात है कि हज़ारों एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने हमारे थ्रू फिल किया, किसी एक बंदे का भी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, सारे लोगों का फॉर्म एलिजिबल लिस्ट में आया है, क्योंकि सही तरीके से फॉर्म फिल किया है। हम लोगों को सालों साल हो गए ये काम करते हुए, तो हम लोगों को पता है कि कैसे काम करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें जाएंगी, कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक फिल करने की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा आप, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो गया है, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी स्कीम्स लगातार आती रहेंगी। रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदने से अननेसेसरी बचिए उस क्षेत्र में। ग्रेटर नोएडा में आप खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल खरीदिए। और क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसी कोई स्कीम से ऐसा चाली नहीं है प्लॉट्स की, इसलिए यहाँ पे रीसेल में खरीदिए। यहाँ पे रेट अभी और ज़्यादा ऊपर चढ़ेंगे, और जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, देखिए दिल्ली NCR में, तो वैसे भी दिल्ली NCR में ये बेस्ट एरिया है। अभी एक क्लाइंट ने हाल में गाज़ियाबाद में खरीद ली प्रॉपर्टी, तो मैंने कहा भाई सर आप कहाँ ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे, आपने गाज़ियाबाद में खरीद ली, तो मतलब आसमान और ज़मीन में अंतर बहुत बड़ा होता है। ग्रेटर नोएडा प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, प्लांट सिटी भी है, सारी चीज़ें हैं। गाज़ियाबाद में आपको पॉल्यूशन, डस्ट और इन सब चीज़ों के अलावा क्या दिखता है? पॉल्यूशन है, डस्ट है, गाज़ियाबाद में दिक्कत है बहुत ज़्यादा, ओवर पॉपुलेटेड है, ये सारी चीज़ें हैं। और ट्रैफिक की तो इतनी बड़ी समस्या है कि ट्रैफिक की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं आए दिन वहाँ पे। वो हो गया ग्रेटर नोएडा वेस्ट, मतलब जिसको नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं, वो एरिया हो गया, मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया। तो देखिए, दिल्ली NCR के फ्यूचर और प्रेजेंट पे पैसा लगाइए, जो कि ग्रेटर नोएडा है, नोएडा से भी आगे निकला है, और
जो ग्रोथ रेट चल रही है ये दिल्ली से भी आगे निकल चुका है ग्रेटर नोएडा, तो बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे पैसे लगाने का फायदा है। और देखिए, जिन लोगों को लगता है मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है ग्रेटर नोएडा में कि मेरे पास 10 प्लॉट हो या 20 प्लॉट हो, और मैं तब आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, कोई प्लॉट नहीं है ग्रेटर नोएडा के अंदर, एक सिंपल सा फ्लैट है, उसी में रहता हूँ मैं, और कुछ नहीं है मेरे पास, वो भी फ्लैट मजबूरी बस खरीदना पड़ा था क्योंकि रहने के लिए छत चाहिए थी। तो देखिए, हमारा काम उस तरीके का नहीं है कि हम कुछ भी अनाप शनाप सेल्समैन की तरह बेचें आपको, हमारा काम है आपको सच्चाई बताना हमारा काम था, है और रहेगा। और मैं जो चीज़ वास्तव में अच्छी है ना उसी को बताता हूँ मैं, कोई आपको खुश करने के लिए ना झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे ही वो हमारे ग्राहक हमसे कह रहे थे कि जी हम आपके साथ जुड़े, तो मैंने कहा हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आपने गंदगी में ले लिया, वहाँ पे गंदगी के अलावा, पॉल्यूशन के अलावा और ट्रैफिक के अलावा आपको मिलेगा क्या? तो मैंने समझाया, मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे उनको अच्छे अच्छे ग्रेटर नोएडा के, लेकिन उनको रेट ज़्यादा लग रहे थे ग्रेटर नोएडा के। तो देखिए, हकीकत ये है कि ग्रेटर नोएडा में जो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाता उसे ओवर वैल्यूड प्रॉपर्टी लगती है, और जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला होता है ना ग्रेटर नोएडा के अंदर, वो कभी ये सब चीज़ें देखता नहीं है, और वही आदमी जीत जाता है। जो आदमी ओवर वैल्यूड का गाना गाता है वो गाना गाता रह गया, और पिछले 3 सालों में 400% की ग्रोथ हो गई ग्रेटर नोएडा में, और आगे भी देखिएगा 1 साल के अंदर कितनी ग्रोथ होगी। तो आप हमेशा एक डेवलप्ड एरिया में एक सही जगह पे प्रॉपर्टी खरीदिए। बाकी कोई भी एडवाइस चाहिए तो मेरा नंबर साइट पे दिया गया होता है। बाकी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, क्योंकि दिल से कोशिश करता हूँ सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको सच्ची चीज़ें बताऊँ, और वही मैं बताता था और बताता हूँ और बताता रहूँ। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।